तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने डॉग को ट्रेन से लेके जाना चाहते हो ना यार, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। बस आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। अदरवाइज आप वीडियो को अच्छे से देखोगे नहीं तो आपको वीडियो में समझ ही नहीं आएगा कि भाई बंदा क्या क्या बता रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा भाई कि आप अपने डॉग को कैसे ट्रेन से लेके जा सकते हो, फ्लाइट से कैसे लेके जाना, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, पर मैं आज आपको ट्रेन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि आप ट्रेन से अपने डॉग को कैसे लेके जा सकते हो, इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा भाई। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अब मेरे जो चैनल पे ना, अभिषेक डॉग ट्रांसपोर्टेशन चैनल पर, आपको पैट सेल परचेज की अपडेट्स भी मिला करेगी। ठीक है जी, आपको मतलब कि कौन कौन से पैट्स हमारे पास आते हैं सेल के लिए, जो ब्रीडर्स के पास होते हैं या जो होम ब्रीडिंग वालों के पास होते हैं, तो वो जो भी सेल परचेज के लिए पैट आते हैं वो भी सब मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। डायरेक्ट ओनर का नंबर भी आपके साथ मैं शेयर किया करूँगा। तो यार, मेरा नाम है अभिषेक और मैं हूँ अम्बाला से, और मेरी जो पैट ट्रांसपोर्टेशन है वो है अभिषेक डॉग ट्रांसपोर्टेशन, और पूरे इंडिया में मैं पैट की ट्रांसपोर्टेशन करवाता हूँ भाई। पूरे किसी को कहीं भी मंगाना हो, फ्लाइट से, ट्रेन से, कार से अपने डॉग को, और कहीं से कहीं भी भेजना हो, तो हम बैठे हैं, हम करवाते हैं जी आपका पैट ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, मैं हरियाणा पंजाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया में करवाता हूँ पैट ट्रांसपोर्टेशन। और जिन जिन लोगों को हमने करी है, जो जो हमारे कस्टमर है, और हमारा डेली रूटीन का काम है पैट ट्रांसपोर्टेशन का, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस है, हमारी सर्विस कैसी है, कस्टमर के रिव्यू वगैरह आप खुद देख लीजिए यार जाके चैनल पे। पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी हर वीडियो ना आपको मिले। जैसे मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और नीचे वो बेल आइकन को दबा दोगे, तो मैं कोई भी वीडियो बनाऊँगा उसकी अपडेट ना आपको नोटिफिकेशन दे देगा यूट्यूब, आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई हमारी कोई वीडियो आई है। आप उस वीडियो को रोज़ देखेंगे तो आपको अच्छे अच्छे डॉग्स देखने को मिलेंगे, साथ ही अच्छे प्राइजेस के अंदर भी आपको डॉग देखने को मिलेंगे रेगुलरली। तो अब बात कर लेते हैं यार, ट्रेन से अपने डॉग को कैसे लेके जा सकते हो आप। ठीक है भाई, देखो मेरी बात सुनो आप। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि जब ट्रेनें होती थी ब्लू रंग की होती थी, तो उस टाइम क्या होता था, ट्रेन के अंदर डॉग बॉक्स होता था। अब डॉग बॉक्स के अंदर आप ले जा सकते हो अपने डॉग को, चाहे वो पपी हो चाहे वो अडल्ट हो। ठीक है जी, पर अब के टाइम में क्या है, डॉग बॉक्स पूरी तरीके से चेंज कर दिया है लॉकडाउन में ना, अभी जो लॉकडाउन था इस लॉकडाउन के अंदर इन्होंने पूरी ट्रेनें चेंज कर दी है। ठीक है, तो जो एनिमल्स का था ना लेके जाने का, अब वो भाई बंद हो गया, डॉग बॉक्स बिल्कुल बंद हो गया। अब दो ही तरीके बचते हैं, या तो आप फर्स्ट एसी से लेके जाओगे। ठीक है, अब आप फर्स्ट एसी में लेके जाओगे तो फर्स्ट एसी में भी दो कन्फ्यूजन है। ठीक है, एक ये है कि भाई आपको पूरा कैबिन बुक करना पड़ेगा तभी आप लेके जाओगे, एक ये होता है कि भैया आपको चार सीटें लेनी पड़ेगी, पूरा भाई कूपे बुक करना पड़ेगा, आप तब लेके जाओगे। तो भाई उसमें कस्टमर को पड़ता है कॉस्टली, उसमें जो छोटे मोटे ब्रीडर होते हैं या फिर जो डॉग फार्म वाले होते हैं या जो कोई कस्टमर भी है कि कहीं का भी हो, तो उसको बहुत महंगा पड़ता है। कस्टमर कहता है यार इतने का तो डॉग नहीं जितने का तो ट्रांसपोर्टेशन का पड़ रहा है। अब मान लीजिए अगर आप किसी यहाँ से, आप मेरे यहाँ से अम्बाला से पंजाब में उधर से मंगाते हैं, पंजाब से मुंबई में मंगाते हैं। ठीक है, अब आप मुंबई में मंगा रहे हैं फर्स्ट एसी की, अगर आपकी एक टिकट आ रही है 4000 की, तो आपको चार टिकट लेनी पड़ेगी, पूरा कैबिन बुक करना पड़ेगा। अब चार टिकट आपकी 16000 की होगी, और उसके बाद फिर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो सब कुछ। तो यार मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि एक टिकट की आपको चार टिकटें लगती है फर्स्ट एसी की। ठीक है, तो ये ना सोचना कि भाई एक टिकट के ऊपर आपका पैट चला जाएगा, आपको पूरा कैबिन या पूरा कूपे बुक कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो ये है कूपे बुक कराना पड़ता है, पर अभी भी डॉग बॉक्स के अंदर डॉग जाते हैं, वो भी बहुत कम ट्रेनें ऐसी है यार जिनमें डॉग बॉक्स अभी है। मैं आपको बता दूंगा काफ़ी ट्रेनों के अंदर डॉग बॉक्स है जिसके अंदर अभी भी डॉग जाते हैं। तो यार देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अपने डॉग का चेकअप कराना है, फुल बॉडी स्कैन कराना है, और कुछ अच्छे से डॉक्टर के पास जाके ना उसको बिल्कुल फिट एंड फाइन का आपको मेडिकल बनवाना है सबसे पहले। तो क्योंकि जब आप मेडिकल बनवाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, वो डॉक्टर जब डॉक्टर आपके पैट को पूरे अच्छे से चेक कर लेगा कि भैया इसके अंदर ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि डॉग कोई बीमार तो नहीं है, या डॉग अच्छे से जा भी सकता है, सफ़र कर सकता है या नहीं, तो वो सब चीज़ें डॉक्टर आपको बना के एक मेडिकल के ऊपर लिख के बना के साइन करके अपने स्टंप लगा देगा। ठीक है जी भैया, तो आपके पास हो गया एक मेडिकल डॉग का। उसके बाद आपको चाहिए अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी इसलिए चाहिए क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को बुक कराते हैं ना पार्सल ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे, तो उसके डॉक्यूमेंट के लिए लगता है, बंदे का प्रूफ लगता है, तो आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपने साथ लेके जानी है, जीरोक्स कॉपी। ठीक है जी, एक आपके पास मेडिकल हो गया, एक आपके पास जीरोक्स कॉपी होगी, तो आपके पास ये दो चीज़ें होगी। अब आप जैसे जाएंगे वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरेंगे, आप फॉर्म वगैरह भर लीजिए, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आप फॉर्म वगैरह भर के पूरे आपका डॉग है पपी है उसका कलर कितना है कैसा कलर है सब कुछ आप फॉर्म पर भर देंगे। उसके बाद अब आपकी जब
अब आप कैसे लेके जाएंगे भाई, SLR होता है पीछे उस गार्ड के पास, ठीक है जी, उस गार्ड के पास SLR होता है। आपको कुछ नहीं करना, अपने डॉग को ना सिर्फ बिल्टी बना के दे देगा आपको रेलवे स्टेशन पे पार्सल ऑफिस वाला। हाँ, वो बिल्टी पर तभी बना के देगा जब अगर ट्रेन के अंदर डॉग बॉक्स होगा तभी। अगर ऐसे नहीं कि वो हर ट्रेन में बिल्टी नहीं बना सकता, जिसमें डॉग बॉक्स होगा उसमें ही बिल्टी बनाएगा। हर ट्रेन में आप तभी ले जा सकते हो जब उसमें फर्स्ट एसी का आपका सारा काम हो रखा हो, मतलब आपने फर्स्ट एसी की टिकट भी ले रखी हो, पूरा कैबिन बुक कर रखा हो ऑलरेडी पहले से, तो आप ले जा सकते हो फर्स्ट एसी में, है ना, किसी भी ट्रेन के अंदर ले जा सकते हो। पर अगर आपको बिल्टी कटा के सस्ते में नॉर्मल लेके जाना है भाई, 700-800 में काम हो जाए मेरा या फिर, ठीक है जी, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपको उसी ट्रेन में लेके जाना है जिसके अंदर डॉग बॉक्स अवेलेबल हो। और अभी भी बहुत सारी ट्रेनों के अंदर डॉग बॉक्स है, पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चेंज कर दी है उसमें डॉग बॉक्स नहीं है। तो मैक्सिमम मतलब कि यार 100 में से 15-20 ट्रेनों के अंदर डॉग बॉक्स है, बाकी सारी ट्रेनें अभी फिलहाल के लिए लाल कर दी है, मतलब लाल का मतलब AC कर दिया सब में। अब AC के अंदर तो डॉग लेके नहीं जा सकते भाई, स्मेल आती है। तो वो चीज़ है कि या तो फर्स्ट एसी से लेके जाओ या तो फिर आप नॉर्मली लेके जाओ। अब आपको, आप लेके गए अपनी ID, फार्म आपने भरा, आपके पास टिकट होनी चाहिए जो आप सफ़र करोगे, क्योंकि वो जो टिकट का PNR नंबर होता है ना, 16-17 डिजिट का जो भी होता है PNR नंबर उसका टिकट का, वो फार्म के ऊपर लिखा जाता है। और आपकी प्रूफ की कॉपी हो गई और मेडिकल हो गया, उसके बाद अब आपको क्या करना है भाई, आपको खुद सफ़र करना है अपने साथ, डॉग के साथ आपको खुद सफ़र करना है। आपको भी बैठना पड़ेगा डॉग के साथ ट्रेन के अंदर, ठीक है, आप अपनी सीट पे बैठिएगा और डॉग आपका डॉग बॉक्स के अंदर होगा जहाँ पे गार्ड होते हैं, जो गार्ड SLR गार्ड होता है वहाँ पे डॉग होता है आपका। मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत वीडियोस बना रखी है, मैंने आप वो वीडियोस भी देख लेना, और डॉग बॉक्स कैसा होता है उसकी भी मैंने वीडियो अंदर से बना के डाल रखी है ट्रेन के अंदर की, तो आप वो चीज़ भी देख लेना, ठीक है गाइस। तो बस आप उसके अंदर उसको डाल दीजिए, डॉग बॉक्स के अंदर आपने अपने डॉग को डाल दिया। अब आपकी ट्रेन चल पड़ी है, आपकी ट्रेन स्टेशन से आपने अपने डॉग को बुक कराया, अब आपको कहीं आगे जाना है, तो आपने अब आप चल पड़े हो ट्रेन के अंदर, आप बैठे हुए हो, तो अब आपको अपने पेट को खाना खिलाना है भाई। तो वो कैसे खिलाओगे, जैसे मान लो कि अब कहीं ट्रेन रुकी है जो बड़ा जंक्शन है जहाँ पे 20 या 25 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, तो आप वहाँ पे जाके डॉग बॉक्स में जाके अपने डॉग को खाना वगैरह खिला के आ सकते हो अपनी, फिर दोबारा अपनी सीट पर बैठ सकते हो। और फिर जब मान लीजिए अब आप पहुँच गए हो आपकी डेस्टिनेशन पे, आपकी ट्रेन पहुंच गई है, अब आपको वहां से डॉग बॉक्स से निकालना है, अपना पप्पी रिसीव करना है, तो आप कैसे करेंगे, आपके पास जो बिल्टी होगी ना, वो एक बिल्टी आपके पास होगी और एक रखेगा गार्ड, जो ट्रेन के गार्ड साहब होते हैं, एक बिल्टी उनके पास होती है, एक बिल्टी आपके पास होती है। तो जब आप रिसीव करोगे तो वो आपसे वाली बिल्टी भी ले लेंगे, आपके साइन करा लेंगे और आप अपने डॉग को ले जा सकते हैं फिर बाहर। तो भाई यही पूरा प्रोसेस है, मतलब आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल तो रखना है ट्रेन से डॉग को लेके जाने के लिए। सबसे पहले आपको अपनी ID रखनी है अपने साथ में, फोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, और खुले पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि स्टेशन पर ना खुले पैसों के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, तो खुले पैसे भी आप रखिए, मतलब कि 100-200 के ऐसे भी नोट रखिए, ठीक है, 2000 वगैरह का ज़्यादा लोग चेंज नहीं करते। तो चलो वो तो एक पर्सनल, वो एक अलग बात होगी, पर जो मेन मेन सामान है यार वो है आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपका डॉग का मेडिकल होना चाहिए ओरिजिनल, जो ओरिजिनल डॉक्टर ने चेकअप करके बनाया हो, स्टंप वगैरह उस पर लगी हो, ठीक है, और आपके पास टिकट होनी चाहिए। आप वहाँ से जाके बुकिंग वगैरह करा के अपने डॉग बॉक्स के अंदर डॉग को डाल सकते हो, ठीक है। और आप हमसे डिलीवरी कराना चाहते हो, हमसे ट्रांसपोर्टेशन कराना चाहते हो, तो भाई आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया सर्विस प्रोवाइड करा के देते हैं जी। अभिषेक डॉग ट्रांसपोर्ट, अम्बाला कैंट, हरियाणा। जो मेरा मेन काम है वो मेरा यही काम है जी, पेट ट्रांसपोर्टेशन का, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है जी, ऑल ओवर इंडिया में हम पेट ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाय कार से भी, बाय ट्रेन से भी और बाय फ्लाइट भी। तो आपको कभी भी कराना हो, कभी भी आप एनी टाइम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अपने डॉग को कहीं भी भेजना हो, किसी भी जगह भेजना हो, कहीं से मंगाना हो या कुछ भी, अगर आपके डॉग को सफ़र कराना हो, ठीक है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, और अगर आप डॉग लवर है और मेरे चैनल के ऊपर सारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, ताकि ना मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाना, फिर सब्सक्राइब करने से ये कि आपको भी मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो बस फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, जल्दी एक नवी वीडियो लेके आऊँगा प्राइजेस के बारे में। और अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।